हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल नॉलेज और ज्ञान में। आज दोस्तों हम जो है वोल्टेज, करंट और लोड की बात करेंगे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई किया है, 86 में किया था। उसके बाद जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक का काम भी किया है अपना, जैसे स्टीरियो डेक वगैरह बनाना। उसके बाद फिर हम लोगों ने इन्वर्टर स्टेबलाइज़र का काम किया था अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग करके। तो मुझको जितनी नॉलेज है वो मैं कोशिश करूँगा आपको भी बताऊँ, और जो मैंने प्रैक्टिकल किए हैं वही बात बताऊँगा, कोई इधर उधर से सुनी बात नहीं बताऊँगा। जो प्रैक्टिकल किए हैं मैंने और जितनी मैं पढ़ के नॉलेज मेरे को है वही बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं कि वोल्टेज, करंट और लोड, इनमें क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये कैसे काम करते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, इसके हिसाब से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, वोल्टेज जो होती है ये दो टाइप की होती है, एसी और डीसी। इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट, इसको वोल्ट में नापा जाता है। और करंट जो होता है इसको आई से इंडिकेट करते हैं और इसको एम्पियर में नापा जाता है। और लोड जो होता है वो वाटेज के हिसाब से होता है कि किस सप्लाई पे हम कितना लोड दे रहे हैं, वो कितने वाट का है लोड। अभी आगे और भी मैं बताऊंगा। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं, क्या है ये? ये वोल्टेज समझ लीजिए एक, जिसको कहते हैं ना EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो होता ये है कि ये वोल्टेज जो है समझ लीजिए एक जरिया है करंट के प्रवाह का। करंट वोल्टेज में से ही होके बहता है, और बिना वोल्टेज के करंट नहीं मिल सकता और बिना करंट के वोल्टेज नहीं मिल सकती, कम ज़्यादा हो सकती है दोनों चीज़ें। तो वोल्टेज एक जरिया है करंट के प्रवाह का। और वोल्टेज दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। ये एसी वोल्ट जो होती है ये तो हमारे घरों में जो भी लोड है उसको उसको चलाने के लिए होती है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि घरों में 220 वोल्ट एसी आती है, 220 वोल्ट एसी हमको गवर्नमेंट से मिलती है। और डीसी जो होती है, ये डीसी जो होती है डायरेक्ट करंट, ये जो होती है डीसी हमेशा सर्किट को चलाने के लिए होती है। सर्किट जो सर्किट होते हैं, अब सर्किट हर चीज़ में होते हैं, चाहे वो आप मोबाइल ले लीजिए, चाहे इन्वर्टर ले लीजिए, चाहे टीवी ले लीजिए। तो सर्किट को चलाने के लिए डीसी होती है। क्यों? क्योंकि सर्किट में कंडेंसर, रेजिस्टेंस, आईसी, ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, और कंडेंसर उसमें प्लस माइनस की ज़रूरत पड़ती है, तो डीसी में हमेशा प्लस माइनस होता है। तो कंडेंसर जो होता है उस पर लिखा भी रहता है कि उसकी कौन सी जो है, कौन सी पिन पे प्लस देनी है, कौन सी पिन पे माइनस देनी है, प्लस माइनस। तो सर्किट जो है उसमें प्लस माइनस होता है, इसलिए उसको डीसी से चलाते हैं। डीसी में भी प्लस माइनस होता है। सर्किट के प्लस पे सप्लाई का प्लस जोड़ेंगे और सर्किट के माइनस पे सप्लाई का माइनस। अब वो सर्किट 6 वोल्ट का भी हो सकता है, 12 वोल्ट का भी हो सकता है, 20 वोल्ट का भी हो सकता है, उसी हिसाब से उसको डीसी दी जाती है। सर्किट के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको हर चीज़ के बारे में समझाऊंगा, कंपोनेंट जो लगे रहते हैं पीसीबी पे, तो वो अलग सर्किट होगा। तो एसी जो है, एसी में देखिए न्यूट्रल और फेस होता है, एक पॉइंट होता है न्यूट्रल, एक पॉइंट फेस, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें जो है फ्रिक्वेंसी भी होती है 50 हर्ट्ज़ की, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी होती है इसमें। इसमें ये डायरेक्ट करंट होता है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती और न्यूट्रल फेज नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस होता है। तो करंट क्या है? करंट समझ लीजिए एक पावर है इसकी, वोल्टेज की, कि अगर हम किसी चीज़ में वोल्टेज दे रहे हैं, कोई मान लीजिए मोटर है, मोटर 220 वोल्ट की है, उस 220 वोल्ट की मोटर में हम सप्लाई दे रहे हैं। इधर समझाता हूँ, मान लीजिए वो कोई मोटर है, मोटर में ये 220 वोल्ट की है, इसको हम जो है
220 वोल्ट दे रहे हैं, एसी एसी 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसमें होगा क्या, करंट जो फ्लो करेगा इसको चलाने के लिए, करंट एक फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इसकी पावर के हिसाब से। अगर ये जैसे ये, अगर ये मान लीजिए हाफ एचपी की है, हाफ एचपी की है या फुल एचपी की है, उस हिसाब से करंट फ्लो करेगा। हाफ फुल एचपी करीब हाफ पावर जो होता है वो करीब होता है 740 वाट के करीब। तो जितनी इसकी वाटेज होगी, जितनी इसकी पावर होगी, उस हिसाब से करंट फ्लो करेगा इसमें। ज़्यादा पावर की होगी अगर ये, तो वोल्टेज तो 220 ही है, ये करंट ज़्यादा लेगी। अगर कम पावर की है तो करंट कम लेगी, तो उस हिसाब से करंट फ्लो करेगा। और इसे लोड जो होता है, लोड में हम बताएं कि लोड घर के जितने भी हमारे समझ लिए इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, जैसे पंखा, एसी, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं बिजली में, वो सब लोड ही होते हैं, क्योंकि वो पावर कंजम्पशन करते हैं और हमको जो है उनसे आराम मिलता है, इसीलिए हम जो है उनको यूज़ करते हैं। उनके ऊपर वाटेज, हर एक लोड की वाटेज होती है, तो वो जितने ज़्यादा वाट का होगा उतना ज़्यादा वो करंट लेगा और उतनी ज़्यादा बिजली की खपत होगी और उतना ज़्यादा हमारा बिल आएगा। तो लोड जो है, जितने भी घर के इंस्ट्रूमेंट हैं या जितने घर के इलेक्ट्रिक गैजेट हैं, वो सब जो है समझ लीजिए लोड होते हैं। और इसे नापने का तरीका, इसे नापने का तरीका क्या है, इसे नापने का तरीका देखिए ये है कि वोल्टेज को, तो अगर कोई सॉकेट है बिजली का, कोई सॉकेट है, वोल्टेज को तो इसमें हम कोई लोड नहीं दिया, वोल्टेज को तो हम इसके यहाँ पे सीरीज में मीटर लगाएंगे, बल्कि पैरेलल में, हाँ सीरीज में नहीं, पैरेलल में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मीटर जो है, मीटर की पिन लगाएंगे तो, और मीटर को वोल्ट में रखेंगे, एसी वोल्ट में, तो शो कर जाएगा कि इस सॉकेट में कितनी वोल्ट आ रही है। जो मल्टीमीटर होता है वो हमको बता देगा कि जो है कितनी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। लेकिन जो करंट होता है वो बिना लोड के हम नहीं चेक कर सकते। जब तक यहाँ पे हम कोई चीज़ लगाएंगे नहीं आगे इलेक्ट्रिक की, मान लीजिए हम यहाँ पंखा लगाते हैं, तो पंखा जो चलेगा वो करंट कुछ खींचेगा, तो करंट जो खींचेगा उसमें फिर हम जो है, मान लीजिए ये पंखा लगा है आगे, तो यहाँ पे एक एम्पियर मीटर लगा देंगे इसके साथ, और यहाँ मान लीजिए पंखा है, तो वो एम्पियर मीटर ये शो करेगा कि इस तार में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। पंखा चलेगा यहाँ से, वो वोल्टेज के हिसाब से तो चलेगा ही, साथ में करंट वो खींचेगा, तो जितना करंट खींचेगा वो यहाँ पे एम्पियर मीटर में आ जाएगा कि इस एम्पियर मीटर में कितना वो करंट यहाँ से निकल रहा है। तो ये लगा है सीरीज़ में, और वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में, एम्पियर मीटर को लगाएंगे सीरीज़ में, तो वो आपका जो है शो करेगा। बिना लोड के करंट को नहीं नाप सकते। और इसके बाद आइए, ये काम तो सभी जानते हैं क्या क्या करते हैं, किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो वोल्टेज का तो काम ही है, वोल्टेज जहाँ होगी वहाँ करंट भी होगा, तो वोल्टेज का तो काम है कि आगे जो भी लोड है उसको चलाना। लेकिन इसमें एक बात जो है ध्यान देने वाली है कि जितनी वोल्टेज है, चाहे वो एसी हो और चाहे वो डीसी हो, उतने वोल्ट का आगे हम जो है उसको लोड देंगे, लोड भी उतने वोल्ट का होना चाहिए। अगर ये 220 वोल्ट है तो हम जो भी चीज़ आगे लगाएंगे 220 वोल्ट की ही लगाएंगे। डीसी अगर मान लीजिए 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, तो इतना ही लोड, इतने ही मतलब इतने वोल्ट का ही सर्किट हम डीसी पे लगाएंगे। वरना लोड अगर कम ज़्यादा होगा, कम होगा तो जो आगे चीज़ लगी होगी वो चलेगी नहीं, और अगर ज़्यादा हो मतलब ये लोड जो है कम होगा मान लीजिए, और कम वोल्ट का हुआ, हमने एसी उसको ज़्यादा दे दी, तो वो ख़राब हो जाएगा। और वैसे ही अगर सर्किट हमारे पास 6 वोल्ट का है और हमने उसको 12 वोल्ट दे दी डीसी, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो डीसी में भी वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, और ये है कि उतने ही वोल्ट का सर्किट जो है हम लगाते हैं तभी वो ऑपरेट होता है। और एसी में भी उतने ही वोल्ट का आगे जो है उतने वोल्ट का लोड होगा, जो लोड लगाएंगे आगे वो उतने ही वोल्ट का होना चाहिए।
तो ये समझ लिया। अब इनका जो है नुकसान क्या है, इसमें नुकसान देखिए क्या है कि अगर ये है कि अगर मान लीजिए हम बिजली में कोई भी चीज़ लगाई है उसका यूज़ ठीक से नहीं कर रहे हैं, एसी 220 वोल्ट में अगर वो बिना मतलब चल रही है तो हमारी बिना मतलब ही बिजली खर्च होगी, या फिर अगर उसमें लीकेज आ रही है, कोई मान लीजिए पंखा लगाया है, पंखे की बॉडी लोहे की होती है ज़्यादातर, या कूलर की बॉडी जो है, कूलर की बॉडी जो है लोहे की होती है, तो इनमें जो है अगर बॉडी पे कहीं फेस टच कर रहा है, एसी का फेस अगर कहीं टच कर रहा है बॉडी पे, तो वो अगर कोई भी जाके छुएगा तो उसको झटका लगेगा, और वो भी कब, जब वो पैरों में उसने जैसे कुछ नहीं पहना, उसको प्रॉपर अर्थिंग मिल रही होगी तो बहुत तेज़ वो झटका खाएगा। और अगर मान लीजिए कहीं पानी वानी में खड़ा है या उसके पैर गीले हैं, तब तो बहुत ही ज़्यादा झटका उसको कस के लगेगा और हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए चिपक भी जाए। तो इन सब चीज़ों के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान में यही है कि जो भी चीज़ आप लगाएं उसको ध्यान से पहले देख लें, कि चाहे इलेक्ट्रीशियन से कहें कि वो चेक कर लें कि उसकी बॉडी में करंट तो नहीं कहीं आ रहा, वरना जो है जैसे घर में हैं लेडीज़ हैं बच्चे हैं उनको मालूम नहीं होता, वो छू लेते हैं एकदम से, चलते चलते टच कर जाती है तो बहुत तेज़ झटका मारते हैं, कभी कभी चिपक भी जाता है, अगला बेहोश भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से ये नुकसान भी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बिजली की कोई चीज़ छू रहे हैं तो आपके पैरों में रबड़ की प्लास्टिक की चप्पल होनी चाहिए, आपको अर्थिंग नहीं मिलनी चाहिए, और पानी से तो बहुत ही दूर रहें, पानी तो बिल्कुल नीचे ज़मीन गीली होनी ही नहीं चाहिए, वरना तो वो एकदम चिपकाएगा कायदे से, क्योंकि उसको प्रॉपर अर्थिंग मिल रही होगी, ऊपर से कहीं फेस कहीं मिल गया तो पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाएगा। और सावधानियाँ, सावधानी आदमी क्या रखेगा, सावधानी इसमें यही रखे कि जो मैंने बताया है कि एक तो वो जो है बिजली वाली चीज़ों को जब भी अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसको छुए तो पैर में चप्पल होनी चाहिए, पैरों नीचे अर्थिंग नहीं मिलनी, या लकड़ी पे खड़ा होके उसको जो छुए अगर वो पुरानी है, तो नई है तो नई में भी कई बार करंट आ जाता है। और इसमें एक और सावधानी वाली बात है कि इसमें ये है कि अगर मान लीजिए हमने कोई लोड आगे पंखे का दिया है, 220 वोल्ट एसी है और आगे हमारे पंखा लगा है, टेबल फैन या कुछ भी, तो पंखे का लोड बहुत ज़्यादा ज़्यादा 50 वाट से लेकर 100 वाट होता है, 50 से 100 वाट होता है, तो इसमें तो ये है कि चलिए चल जाएगा, लेकिन अगर वो तार इसमें पतली भी चल जाएगी, तार जो है पतली चल जाएगी, और अगर कहीं हमने 220 वोल्ट एसी पे हमने कहीं आगे एसी लगा दिया, तो एयर कंडीशनर लगा दिया, तो इसमें जो है हमको तार मोटी होनी चाहिए, तार जो है मोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोड इसका ज़्यादा होगा, मान लीजिए 2 किलोवाट का लोड है और ये करंट ज़्यादा खींचेगा, यहाँ से करंट ज़्यादा खींचेगा तो पतली तार में जो होगा वो करंट, उसके जो है करंट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेंगे तो पतली तार जलने का डर होगा, तार मोटी होनी चाहिए तब तो ठीक है, और अगर तार पतली है एयर कंडीशनर में, अगर तार कहीं पतली है, तार पतली है तो वो जो है जल जाएगी। तो आप घरों में भी ये होना चाहिए कि ये देख लेना चाहिए हमारे घर का कितना लोड कहाँ पे है, उस हिसाब से उसमें तारें लगी होनी चाहिए, वरना तार हीटअप होगी और उसके जलने का डर है। और साथ में ये है कि जितने भी सॉकेट या स्विच हैं, इनके जो है पेंच एकदम टाइट होने चाहिए, पेंच जो है एकदम टाइट होने चाहिए, वरना जब इस पे लोड पड़ेगा कोई चीज़ लगाएंगे तो अंदर स्पार्किंग होगी और तब भी जो है वो जल सकता है, सॉकेट लूज़ होगा। मान लीजिए यहाँ प्रेस लगा दी आपने, जो कपड़े प्रेस करने वाली है वो करीब 1000 वाट की होती है, तो वो जब ज़्यादा गर्म होगी, जो गर्म होना शुरू होगी तो अंदर पेंच लूज़ है, तार लूज़ है, तो वहाँ पे फिर वो जो है स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होगी तो वहाँ वो फिर जलने का
डर है कि वहाँ जलेगा, सॉकेट भी ख़राब होगा, अंदर जो है आग लगने का भी डर है। तो ये सावधानियाँ रखनी चाहिए। तार जो है लोड के हिसाब से मोटी होनी चाहिए, पेंच सारे टाइट होने चाहिए, तभी आपका जो है सही काम करेगा पूरा बिजली वाला जितना भी आपका सर्किट है। और यूज़ करने का तरीका भी मैंने यही बता दिया कि आप जो है उसको लोड के हिसाब से उसमें तार लगाएं। और सॉकेट जो होते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सॉकेट जो होते हैं वो 5 एम्पियर के भी होते हैं और 15 एम्पियर के भी होते हैं, बड़े 15 एम्पियर के भी होते हैं। तो इसको ये है कि आप जो है 5 एम्पियर में आप जो है कम लोड दें, पंखा है प्रेस भी लगा सकते हैं जो भी है, लेकिन अगर आपका एसी है या फिर आपकी कोई और हैवी चीज़ है, एसी है या इमर्शन रॉड है, वो सब आप जो है 15 एम्पियर में लगाएं, वरना जो है जलने का डर रहेगा, सॉकेट जलेगा। तो और दूसरा ये कि लोड आपका जितना सेंक्शन है, जैसे बिजली के बिल के ऊपर लिखा ही रहता है, जितना लोड आपने लिया है गवर्नमेंट से सेंक्शन करवाया है उतना ही लोड होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो वो आपके ऊपर जो है फिर पेनाल्टी लगाएंगे। तो यूज़ करने का सही तरीका यही है कि सॉकेट वॉकेट जो है आप देख के उसके ऊपर लोड दीजिए, तारें सही होनी चाहिए, और साथ में जो है आपका जो जितना लोड सेंक्शन है घर का उतना ही आप जो है उस पर लोड दें, वरना मीटर में तो आजकल जो डिजिटल मल्टीमीटर लगे हुए हैं उनमें तो आजकल एकदम वो फिक्स हो जाता है मैक्सिमम लोड, और फिर उसके ऊपर पेनाल्टी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने बताया उससे आपको फ़ायदा होगा। आप आगे भी हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे उनको भी देखिएगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको जो है प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा हर अगला वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।